नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशुली भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर और बात करेंगे आज होने वाले महामुकाबले की। जी हां, वर्ल्ड कप का महामुकाबला आज और ये इस बीच बड़ी खबर आ रही है और भारत ने टॉस जीत लिया है। फिलहाल ये जानकारी यहां पर आ रही है, बड़ी खबर, पहले फील्डिंग ली है भारत ने, ये बड़ी खबर आ रही है। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा ये मैच, बड़ी खबर, भारत ने टॉस जीता है वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान और टॉस के जीत के साथ टॉस जीता है भारत ने और इस जीत के साथ अब मैच जो है वो 2 बजे से शुरू होने जा रहा है। भारत ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी यहां पर ली है और ये बड़ी खबर, वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आज ये मैच होने जा रहा है और फिलहाल दोपहर 2 बजे से ये मैच शुरू होने जा रहा है वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान और काफी दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वर्ल्ड कप का ये महामुकाबला, वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान का ये महामुकाबला और टॉस भारत ने जीता है तो टॉस की जीत के साथ अब ये मुकाबला 2 बजे से शुरू हो जाएगा। पहले फील्डिंग भारतीय क्रिकेट टीम करेगी तो यानी कि अब कुल मिलाकर तौकीर किदवई हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, फिलहाल अभी जो जानकारी यहां पर आ रही है कि भारत ने टॉस यहां पर जीत लिया है, पहले फील्डिंग यहां पर ली है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों में कितना उत्साह वहां पर बना हुआ है वो वहां पर हम समझना चाहेंगे। हवन यज्ञ तक हो रहे हैं। देखिए, ये आपको बता दें कि लखनऊ की सड़कों पर खासकर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि जो मैच है वो अब कहीं ना कहीं अपने चरम पर है और इसी वजह से अब जो लोग हैं, जो प्रेमी है, क्रिकेट प्रेमी हैं, वो अपने घरों पर टीवी से चिपक चुके हैं। ये देखिए, ये कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और इंडिया अब पहले बॉलिंग करने की जा रही है, क्या लगता है, क्या कुछ अब मजबूत कौन दिखता है फिलहाल? इंडिया तो जीतेगी ही, ये तो तय है, उसमें कुछ नहीं है और अच्छा सब प्लेयर जो है अच्छा खेलेंगे और प्लेयर तो चाहो टीम इंडिया के हों चाहो पाकिस्तान के प्लेयर प्लेयर होते हैं, जो भी अच्छा मैच खेलेगा वो जीतेगा, इसमें कौन सी बात। शुभमन गिल की वापसी होने के चांसेस बताए जा रहे थे, इम्पोर्टेंट है उनका ना? जी ऑब्वियसली, पिछले 1.5 साल से उन्होंने जो परफॉर्म किया है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो अमेजिंग है और उनको नेक्स्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप का मेन स्टे भी बोला जा रहा है। और एज फार एज इंडियन पाकिस्तान है तो दोनों ही काटे की टक्कर रहती है, अब कैसे बोले कि कौन जीतेगा, इंडिया ही जीतेगी, ऑप्शन है नहीं। वर्ल्ड जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं उसमें रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया बहुत भारी है, स्पेशली अगर देखा जाए रिकॉर्ड तो इंडिया ने पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में तो अमेजिंग किया ही किया है, तो हमेशा की तरह हम यही चाहेंगे कि इंडिया ही जीते, लेकिन बस होप फॉर द बेस्ट क्योंकि मैच है, कुछ भी हो सकता है, बट इंडिया ही जीतेगी। लेकिन लास्ट मैच में देखा गया कि जब पाकिस्तान ने अभी जब श्रीलंका को 345 रन का चेज दिया, यानी कि सबसे बड़ी चेजिंग अब तक की रही है वर्ल्ड कप की, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जी वो तो रहेगा ही और स्कोर ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है, बॉलिंग भी, जो अच्छा बॉलिंग कर ले जाएंगे, अगर फील्डिंग चूज किए हैं ना, फील्डिंग चूज किए हैं तो अच्छी बॉलिंग करेंगे तो कम से कम रन में समेटेंगे तो अच्छा रहेगा टीम इंडिया के लिए। तो इसीलिए बॉलिंग चुनी गई कि कम रन पर समेट दिया जाए पाकिस्तान को? बिल्कुल कम रन पर समेट जाए, पाकिस्तान को खेलने नहीं चाहिए, पहले हार मान लेनी चाहिए क्योंकि इंडिया को जीतना है। देखिए लोगों के अंदर उत्साह है और ये भी कह रहे हैं कि खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल तौकीर, क्योंकि सुबह से ही फैंस का जो जोश है वो हम यहाँ पर, क्रिकेट प्रेमियों का जोश है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से हर कोई इस उम्मीद में यहाँ पर बैठा है। लेकिन एक बात यहाँ पर तय है कि अभी शुरुआती तौर पर यहाँ पर कुल मिलाकर पूरी भारतीय टीम की ये कोशिश यहाँ पर रहेगी कि पाकिस्तान को जो रन रेट है वो यहाँ पर काफी ज्यादा काबू में रखा जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर अब यहाँ पर कमाल होगा कि भारतीय गेंदबाज जो है वो किस तरीके का परफॉर्म यहाँ पर करते हैं। देखिए जो मैच है वो इंटरेस्टिंग इसलिए भी रहता है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से दबाव बहुत होता है टीमों पर, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो दर्शकों की जो भावनाएं हैं वो जुड़ जाती हैं। मैम, आज मैच है इंडिया पाकिस्तान का, कुछ कहना चाहेंगी आज इंडिया के लिए? दो लाइन, इतने सालों बाद हो रहा है, सभी लोग बहुत एक्साइटेड है और हमारे सारे काम अभी घर के रोके जा चुके हैं कि सुबह में जितना होना है हो जाए, सेकेंड हाफ सबने एंगेज कर रखा है, मतलब 2 बजे के बाद टीवी से बिल्कुल ब्लॉक है सब कुछ, बच्चों को भी हम बाहर अलाउ नहीं कर रहे कि घूमने ले जाएंगे या कुछ भी।
आज का दिन देखिए लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सैटरडे है और सेकंड सैटरडे है, लगभग ऑफिसों में छुट्टी है, इसलिए भी लोग घरों पे अपने मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपने प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए हैं इस मैच के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं वहां पर किस तरीके से लोगों का यही कहना है कि देखिए जीतेगा तो भारत ही, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये अलग ही जोश और जुनून होता है लोगों का। तो यहाँ तक कहना है कि वर्ल्ड कप ठीक है जो लाएगा लाएगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पाकिस्तान से नहीं हारना है। तो जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोग और आ गए हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्या लगता है मजबूत कौन नजर आ रहा है? इंडिया ही नजर आ रही है अभी, लेकिन चेस तो बड़ा किया पाकिस्तान ने 345। तो इंडियन बॉलर्स के सामने नहीं किया ना, इंडियन बॉलर्स इंपॉर्टेंट है। यस, लेकिन श्रीलंका भी मजबूत खेल रही थी, भी कप लेकर गई है 20 का। इंडिया के बॉलर्स के आगे कोई नहीं टिक पाता सर, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 200 पे रोक दिया है, तो पाकिस्तान क्या टीम। तो फिलहाल आज मैच कैसे देखेंगे आप, कहाँ देखने जा रहे हैं? अभी तक तो हॉटस्टार पे देखेंगे क्योंकि थोड़ा मार्केट का काम है। आज मोबाइल पे मैच? यस। तो देखिए जो टीवी पर नहीं है वो मोबाइल पर मैच देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तौकीर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए और एक बात बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पर जो क्रिकेट प्रेमी है वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भारतीय क्रिकेटरों ने यहाँ पर 200 के ऊपर नहीं जाने दिया, तो पाकिस्तान की टीम पर तो हमेशा से ही भारी रही है भारतीय क्रिकेट टीम। तो शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर है कि भारतीय क्रिकेटरों की जिस तरीके से जीत के साथ शुरुआत हुई है भारतीय टीम की, वो जीत बरकरार रखी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का मैच आज है वो बताता ये है कि लोगों की जो उत्साह है या क्रिकेट के जो प्रेमी हैं वो दोनों तरफ के हैं, क्योंकि क्रिकेट को लेकर कभी बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए दोनों तरह के लोग मिलते हैं मैच देखने वाले। और क्रिकेट का जो एक अलग जुनून रहता है लोगों के बीच, हमने कई आज कॉलेजेस और जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वहां पर भी देखा है, और वहां पर भी खास बात यह है कि बच्चों के बीच उत्साह नजर आया है, कुछ झंडे तिरंगे लेके निकले थे, इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह से देखिए लखनऊ में जब मैच हुआ, और अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ में होने वाला 28 तारीख को, और यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम खेलने जा रही है। तो फिलहाल लखनऊ के बीच जब से ये मैच आया है, यानी कि जब से एकाना स्टेडियम आया है, तब से लोगों के बीच उत्साह और बढ़ गया है, क्योंकि भारी भरकम भीड़ यहाँ पे एकाना स्टेडियम मैच देखने जाने लगी है, और लोगों के बीच एक बार फिर से क्रिकेट के बीच इंटरेस्ट बढ़ा है। और इंडिया पाकिस्तान का एक ऐसा मैच रहा है, चाहे वो इस समय बुजुर्ग लोग हैं वो एक लंबे अरसे से इंडिया पाकिस्तान मैच की जो है इंतजार करते थे, और एक लंबे समय बाद अब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने है, खासकर भारत की धरती पर पाकिस्तान एक लंबे समय बाद खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्साह जरूर है, और लोगों के बीच उम्मीद भी है कि इंडिया भारी भरकम रन से जीतेगी, क्योंकि पहले बैटिंग पाकिस्तान करने जा रही है, यानी कि कम विकेट पर। और कई बड़ी अच्छी बात यह भी है कि कई ऐसे बैट्समैन हैं जिनकी वापसी इस मैच में मानी जा रही है, उसके बाद से भारत की टीम और ज्यादा मजबूत नजर आ रही है बनिस्बत पाकिस्तान के। तो आखिर वहां पर लोग मौजूद होंगे, उनसे आप जानिए, क्योंकि आज का सबसे महत्वपूर्ण या आकर्षण का केंद्र लोग ही रहने वाले हैं, फैंस रहने वाले हैं, जो टीम के फैंस हैं वो क्या इस बीच सोच रहे हैं शुभमन गिल के खेलने पर, किस तरीके से अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आ रही हैं, लोगों से बात कीजिए। ये बताइए, जो आज मैच है इंडिया पाकिस्तान का, सबसे बेहतर प्रदर्शन किस खिलाड़ी से आपको लगता है? मुझे लग रहा है विराट कोहली से और रोहित शर्मा से। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल की वापसी हुई, शुभमन गिल के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी आज का मैच खेल बढ़िया खेलेंगे, बट अभी क्या है कि थोड़ा सा अभी उतना फिट नहीं है, चोटिल होके आए हैं, लेकिन बढ़िया ही खेलेंगे, बढ़िया हमारे। उम्मीद क्या लग रही है, पाकिस्तान भारी है कि इंडिया भारी है? कौन टीम कौन सी भारी लग रही है? अरे ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगी, भारी क्या, जितना इंडिया की हुई है। इससे बड़ा चेस करके आई पाकिस्तान, अभी लग रहा है कि उसके अंदर बैटिंग टैलेंट बढ़ा है? अरे कुछ नहीं, जो भी बड़ा होगा इंडिया के आगे वो सब बेकार है। अच्छा, भारतीय क्रिकेट टीम ने फील्डिंग यहां पर चूज की है, वो भी पूछिए क्या होगा कम इसको। भारतीय क्रिकेट टीम ने फील्डिंग चूज की है, उस हिसाब से कितना लगता है क्या रन जाएंगे पाकिस्तान? पाकिस्तान के बस यही हमको लग रहा है 250-270, ज्यादा से ज्यादा बस इतने जाएंगे। 250-270 मैक्सिमम जो खींचा था, 270 के आसपास में। की पॉइंट क्या होगा, क्या लगता है बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे आज या बैट्समैन इंपॉर्टेंट? बैट्समैन का ही काम होगा, बैट्समैन का। लेकिन पहले बॉलिंग चुनी है इंडिया ने? नहीं नहीं, तो ठीक है, अच्छा है, बॉलर हमारे अच्छे हैं, बुमराह हैं, और क्या कहा जाता है, कुलदीप यादव भी काफी अच्छे लय में है इस समय दिखाई दे। बैटिंग लाइनअप तो लंबी है ही। हाँ बिल्कुल, बैटिंग लाइनअप लंबी है, श्रेयस अय्यर, शुभम गिल, ये सब काफी अच्छे बैट्समैन है, विराट कोहली, रोहित, ये मिडिल और टॉप ऑर्डर चल गया तो अच्छा खासा रन बनेगा। तो देखिए बैटिंग से तो उम्मीद है इंडिया की, क्योंकि बैटिंग लाइनअप बहुत दूर तक है और सब मंझे हुए खिलाड़ी हैं और सिचुएशन के हिसाब से खेलना जानते हैं,
लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो रोल अदा करेंगे बॉलर। अगर कम स्कोर पर पाकिस्तान को रोक देंगे तो बैट्समैन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा विन, और बैटिंग लाइनअप ऐसी है कि कोई किसी भी क्रम पर आए वो मैच को संभाल सकता है। तो फिलहाल इंडिया आज कई मायने में मजबूत नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि स्कोर आखिर पाकिस्तान कितना कर पाता है, उसके बाद ही इंडिया की राहें आसान होंगी। बिल्कुल, और 15 मिनट से भी कम का समय यहाँ पर रह गया जब ये मैच शुरू होगा। तौकीर, वहां पर अब जितने लोग हो सके कोशिश आप उनसे करिए यहाँ पर जुड़ने की और जानने की यहाँ पर कि किस तरीके की अभी जो एक धड़कने हैं लोगों की वो बढ़नी यहाँ पर शुरू हो गई है, क्योंकि मैच की स्टार्टिंग पॉइंट से ही आप समझ के चलिए कि हर किसी की जो धड़कने अप डाउन होगी कि आखिर क्या हो रहा है, किस तरीके से शुरुआत से ही जो दबाव है पाकिस्तान की टीम यहाँ पर बनाने की कोशिश में रहेगी। जी देखिए, बिल्कुल, हम आपको अब थोड़ा सा सर्वे करा देते हैं एक सड़क का। ये हजरतगंज इलाका है और यहाँ पर देखेंगे आप लंबी जो कतारें और भीड़ लगती हैं वो आज नहीं है। अमूमन जिस तरह की भीड़ लगती है लोग यहाँ पर निकल तो रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ये माना जा रहा है कि सन्नाटा और बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय करीब आएगा, टॉस हो चुका है, लोगों को पता है कि 2 बजे से मैच स्टार्ट होना है, उस हिसाब से लोगों ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं, लोगों ने कारोबार में भी तैयारी कर रखी है। अब देखिए कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये भी इनसे भी बात कर लेंगे कि आज मैन क्रिकेट है, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। सर कुछ बोलेंगे आप इंडिया के लिए? तो देखिए, और यहाँ कुछ दुकानदारों से बात कर लेते हैं, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्या लगता है कौन भारी है ज्यादा? इंडिया ही भारी है और कौन। तो आप लोग तो दुकान पे बैठे हैं, मैच कैसे देखेंगे? मैच क्या देखिए, लैपटॉप लगा हुआ है मैच देखने के लिए। तैयारियां पूरी है जी, और क्या। तो देखिए ये तस्वीर आप एक देखेंगे दुकान की है और यहाँ पर सभी लोग तैयारियां कर चुके हैं, लैपटॉप लगा हुआ है, मैच चालू हो चुका है और 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है बैट्समैन है वो फील्ड पर नजर आएंगे। सर क्या लग रहा है कि आज भारी कौन है टीम में? इंडिया ही जीतेगा और कौन जीतेगा? की पॉइंट क्या है इंडिया के पास? इंडिया के जो प्लेयर्स, रोहित शर्मा जिसने सेंचुरी बनाई है, तो बस रोहित इज द बेस्ट एंड इंडिया इज ऑल्सो बेस्ट। विराट कोहली इंपॉर्टेंट रोल, मिडल ऑर्डर में विराट कोहली इज वेरी गुड, बट रोहित शर्मा का ओपनिंग एक बार चल गया तो फिनिश गेम। अच्छा, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग चुनी, यानी कि इंडिया ने पहले बॉलिंग चुनी है, टॉस जीता था। नहीं, अभी टॉस हो चुका है और जो टॉस जीता है वो इंडिया ने जीता है, लेकिन बॉलिंग चुनी है, ये सही फैसला है? यस, अच्छा फैसला है, चेजिंग के लिए इंडिया इज वेरी गुड, इंडिया चेस करेगी और जीतेगी। अच्छा, अभी तक जो मैचेस हुए हैं वो चेस करने वाली टीम ज्यादा विन रही है क्या, ऐसा कुछ भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये माइंड सेट है और इंडिया में हो रहा है तो वो फर्क नहीं पड़ता। इंडिया का बैटिंग लाइनअप हमारे पास 7 नंबर तक है तो इंडिया विन विल इजीली। तो देखिए, और कुछ लोगों के पास चलेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आगे कुछ और लोग हैं जो आप एक चीज और भी गौर करिए यहाँ पे, उधर से हम आपको दिखाएंगे सामने से, वो देखिए शटर बंद है वहाँ पे दुकानों के, और इधर सामने आइए, आज देखिए सैटरडे है लेकिन दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, दुकानों जो दुकानदार यहाँ के कारोबारी हैं उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और सब टीवी से चिपके हुए हैं, कुछ देर बाद ही ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। क्या लगता है इंडिया या पाकिस्तान कौन जीत रहा आज? इंडिया ही जीतेगा सर जी। इंडिया जीतेगा? इंडिया जी। किसकी वजह से जीतेगा, क्या लगता है आज खिलाड़ी कौन कमाल करने वाला है? क्योंकि इंडिया में जो खून है वो हर एक माँ का, माता पिता का खून अच्छा है और सबसे बेहतरीन इंडिया है, इंडिया ही जीतेगा। ओके, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, क्यों पंडित जी, क्या भविष्यवाणी है आपकी? इंडिया जीतेगा, हमारी तो यही मनोकामना है। तो इंडिया क्यों जीतेगा, कुछ इसके पीछे कोई कारण है आपके पास? कारण कोई नहीं, इंडिया जीतता है, सबके ऊपर भरोसा है, इंडिया ही जीतेगा जी। सबको भरोसा है इंडिया जीतेगा जी, और भारत माता की। ये भारत माता की जय, और इंडिया जीतने वाला है इसलिए भी क्योंकि उसके जो प्लेयर्स हैं वो तो कमाल करने ही वाले हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो बैटिंग लाइनअप है इंडिया का वो ऊपर से टॉप ऑर्डर से लेकर 7 नंबर तक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी पोजीशन पे आएंगे और मैच को संभाल सकते हैं, अगर बैटिंग लाइनअप बड़बड़ाता भी है जी। तो उसके बावजूद, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि पहले जो बॉलिंग चुनी है इंडिया ने, इसका भी फायदा मिलेगा। वजह यह है क्योंकि अब तक जो चेजिंग की बात की जाए तो इंडिया ने चेज इजिली किया है बनिस्बत बड़ा स्कोर खड़ा करने के, तो यहाँ पर भी उनका ये फैसला सही माना जा रहा है कि अगर वो पहले बॉलिंग करके पाकिस्तान को 220, 230 या फिर अगर मैक्सिमम 260 तक भी रोक देते हैं तो इंडिया के लिए इजिली विन है, क्योंकि बैटिंग लाइनअप बहुत लंबा है और बहुत देर तक बैट्समैन जो फील्ड पर टिक सकते हैं, और यही वजह है कि इंडिया की जो विनिंग चांसेस है वो 80% नजरें अभी है हमारे बॉलर्स पर, अभी सारा दारोमदार है बॉलर्स पर कि यहाँ पर उतने रन बनाने नहीं देने और ऐसे रन जो है बना जब ताकि तब चेस कर सके और एक 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 बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर मिल सके, तो सारा दारोमदार अभी सारे हमारे जो बॉलर्स हैं उन पर है।
बिल्कुल 3 घंटे तो देखिए पूरे बॉलर पर निगाहें टिकी रहेंगी और ये बॉलर क्या कमाल करेंगे इस पर बहुत मैच डिपेंड करेगा। देखिए कुछ लोग और भी हैं, एक मिनट सुनिए जरा। मैच है इंडिया पाकिस्तान का, क्या लगता है पहले बॉलिंग चुनी है इंडिया ने, कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना स्कोर पर रोका जा सकता है इधर? तौकीर एक मिनट आऊंगी आपके पास। ये अहमदाबाद ग्राउंड आप देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भारी भीड़ है यहाँ पर स्टेडियम में पहुंची है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए स्टेडियम की, जहां पर आज भारत पाकिस्तान का ये मैच जो है वो होने जा रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। भारत पाकिस्तान का यह महामुकाबला जो बस सबसे कुछ ही देर यानी 10 मिनट के बाद, 10 मिनट से भी कम का समय जो है वो यहां पर रह गया और देखिए तमाम जो क्रिकेट प्रेमी है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये मैच जो है ये मैच अपने आप में काफी अहम रहने वाला है और इसीलिए आप देखिए सुबह से ये लोग जो है वो सुबह सुबह से ही यहां पर डटे हुए हैं स्टेडियम के बाहर। अब स्टेडियम आप देखिए, स्टेडियम के अंदर ये एंट्री हो रही है यहां पर और 10 मिनट से भी कम का समय रह गया जब ये मैच जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी टॉस हो चुका है, टॉस भारत जीता, पहले फील्डिंग यहां पर ली गई है यानी कि पहले पाकिस्तान जो है वो बैटिंग करेगा। अब तस्वीर जो है कुल मिलाकर शुरू साफ होनी शुरू होगी क्योंकि शुरुआत में ही पूरी कोशिश यहां पर रहेगी कि भारतीय क्रिकेट टीम की कोशिश यहां पर रहेगी कि ज्यादा जो रन है पाकिस्तान की टीम वो ना बना सके और दूसरी तरफ पाकिस्तान की कोशिश यहां पर रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा। और देखिए भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है और देखिए जहां देखो जिधर देखो जो फैंस हैं वो यहां पर मौजूद हैं और हर कोई इस महामुकाबले का साक्षी बनने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है, हाथों में तिरंगा लिए। अब देखिए अलग अलग कटआउट जो है वो अपने हाथों में लिए इस पूरे एक दृश्य को अपने इसका साक्षी यहां पर बनना चाहता है और तस्वीरें आप देख सकते हैं जो क्रिकेट प्रेमी है वो स्टेडियम के बाहर ही नहीं बल्कि स्टेडियम के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी खड़े हुए हैं और इस बीच जो है पूरी यहां पर कोशिश है कि इन देखिए आप अलग अलग तरीके से जो फैंस हैं आप देखिए दूर दूर से फैंस जो है वो यहां पर आए हुए हैं कि किस तरीके से वो इस मैच को यहां पर देखें और देखिए तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग जो है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस मैच को वो देखने के लिए पहुंचे हुए। लेकिन हर किसी का यही कहना है कि आज तो भारत ही जीतेगा यानी जो जीत की सीरीज वर्ल्ड कप में भारत ने जारी रखी हुई है वो ऐसे ही जारी रहेगी। और बात जब आती है भारत पाकिस्तान के बीच मैच की तो क्रिकेट प्रेमी क्या कुछ कहते हैं आप वो भी सुनिए। आपका नाम? नीतू कपूर। नीतू जी आज भारत और पाकिस्तान का मैच है और भारत ने टॉस जीत लिया और वो पहले बॉलिंग करेंगे और शुभमन गिल जो वो भी खेल रहे हैं मैच। हाँ ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मैं काफी एक्साइटेड हो रही हूँ। मैच जा रही हूँ अभी अंदर और देखते हैं एंड ऑफ क्या होता है और दिल्ली से स्पेशली आई हूँ मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रही हूँ तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही है अंदर जाने के लिए कि अब अंदर जाके क्या होने वाला है। और हमारे गिल जी है जो जिन्होंने 99% आज 100% आ ही चुके हैं तो उनकी परफॉर्मेंस देखते आज कैसे रहने वाली है। आपका नाम? नीतू कपूर। और इस मैच को देखने के लिए हर कोई यहाँ पर बेताब बना हुआ है कि किस तरीके से अब ये जीत जो होती है भारत पाकिस्तान के बीच। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं क्रिकेट प्रेमी। नहीं वो बहुत सही डिसीजन है, रन चेजिंग में तो हम मास्टर ही है, वैसे भी हमारे पास विराट कोहली तो प्रेजेंट है और अभी तो रोहित शर्मा भी फॉर्म में और केएल राहुल तो है ही, तो मुझे लगता है कि इंडिया ही जीतेगी और चेजिंग में तो हम पाकिस्तान को हरा ही देने वाले। वो तो इन फॉर्म खिलाड़ी है, वो पहली दो मैच में नहीं था लेकिन अभी के लिए तो वो ही मास्टर खिलाड़ी है और अपनी ओपनिंग अगर अच्छी हुई और वो तो होने ही वाली है, शुभमन गिल है और बीच में भी मिडल ऑर्डर भी अपना बहुत ही स्ट्रांग है तो वैसे देखा जाए तो पूरी बैटिंग लाइनअप है अपनी इंडिया की, शायद शाहीन अफरीदी को और हैरिस श्रॉफ को बहुत भारी पड़ने वाला है। क्या ओवरऑल तो इंडिया ही जीतने वाला है, सब फेवर इंडिया का ही है, माहौल है नहीं हिक्स कुछ नहीं है, इंडिया ही जीतेगा। इंडिया ही जीतेगा, जीतेगा इंडिया। इंडिया 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 क्या पाकिस्तान वाले मुकाबला कर रहे हैं इंडिया से, उसको मालूम नहीं है पाकिस्तान वाले को। सही है, सही है, सही है।
स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं और ये सुबह से ही ये तस्वीरें जो है इस तरीके की आ रही है, क्योंकि सुबह से ही जो फैंस हैं वो स्टेडियम के बाहर जुटने शुरू हो गए और हर कोई इस इंतजार में। भारत ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग लिया है, क्या कहना चाहेंगे? आई होप भारत जीत जाए, और क्या? शुभमन गिल वापसी कर रहे हैं, क्या शुभमन गिल खेलेंगे टीम में? अच्छा तो अच्छा है, वो भी आज भी सेंचुरी मारेंगे, सेंचुरी मारेंगे जरूर, जीतेगा भारत, हाँ जीत जाए, कोहली का सेंचुरी आएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्टेडियम के बाहर की और देख सकते हैं स्टेडियम जिस तरीके से अंदर खचाखच भरा हुआ है वैसे ही बाहर की तस्वीरें। अभी ऐसा देखे तो सर आई थिंक सो बैटिंग वो मैं लेकिन गेट अ फ्यू एडवांटेजेस लाइक वो लोग बाद में बैटिंग करेंगे तो उनको सनलाइट कम गिरेगा, दे कैन बैट वेरी वेल आई थिंक सो। शुभमन गिल वापस कर रहे हैं, ही विल परफॉर्म। ये क्रिकेट टीम जो है पूरी तरीके से फॉर्म में है और जीत जो है भारतीय क्रिकेट टीम की यहां पर होगी। और जब भारत पाकिस्तान के बीच मैच की बात आती है तो फिर हर भारतीय के मन में यही होता है कि आज जो है जीतना ही जीतना है। लोगों का कहना तो यहां तक है कि देखिए वर्ल्ड कप में चाहे कुछ भी हो, किसी की भी जीत हो, लेकिन पाकिस्तान से हारना नहीं है, जीत यहां पर दर्ज करनी है। और यह ऐतिहासिक मैच आज होने जा रहा है, देखना यहां पर यह होगा कि किसका बल्ला यहां पर चलता है और किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि अभी बैटिंग करेगी। और देखिए अभी 5 मिनट से कम का समय यहां पर रह गया है, यानी ठीक 5 मिनट बाद जो है ये मैच जो है वो शुरू हो जाएगा। फील्डिंग यहां पर करेगी भारतीय क्रिकेट टीम और फैंस का प्रेम जो है आप देख सकते हैं, हाथों में तिरंगा लिए क्या कुछ कह रहे हैं फैंस, सुनिए। मनीष संघवी, आई वॉन्ट टू से इट्स अ फैंटास्टिक डिसीजन बाय रोहित, वी आर गोइंग टू विन दिस मैच। Amazing news. That's another fantastic news. We were looking forward to him playing with us. So who will win today? India, without doubt. It's only India. India is going to win today. India, all the way. Thank you. आ रही हूं और बस सबसे कुछ ही देर बाद ये मैच जो है चंद लम्हे यहाँ पर रह गए हैं जब ये मैच शुरू होने जा रहा है अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यह ऐतिहासिक मैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, कुल मिलाकर अब तस्वीर यहाँ पर साफ होगी। शुरू से ही शुरू के कुछ ओवर जो हैं वो यहाँ पर ये साफ कर देंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्म है वो किस तरीके से रहने वाला है, लेकिन जीतेगा तो इंडिया, ये कहना है तमाम क्रिकेट प्रेमियों का, क्योंकि ये मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा अहम होने वाला है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए और साथ ही हर भारतवासी के लिए जो कि इस बीच यही उम्मीद लगाए बैठा है कि जीतना तो भारतीय क्रिकेट टीम को ही है क्योंकि मैच है पाकिस्तान के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।